इधर गायत्री ने तो अपने गुनाहों से सियासत में गंद मचा दी, उधर मुख्यमंत्री तो गुजरात से गधों को ही मैदान में ले आए और अमिताभ बच्चन से गुजरात के संरक्षित वन जीव गधे का प्रचार न करने की अपील कर डाली, लेकिन खुद गायत्री के लिए प्रचार करने पहुंच गए। अब बुराई गधे के प्रचार में है या रेप आरोपी के प्रचार में, या फिर गायत्री के घड़ियाली आंसुओं के आगे पीड़िता की पुकार अखिलेश सुन नहीं पा रहे। मेरा गधा गधों का लीडर कहता है कि दिल्ली जाकर सब मांगे अपनी कौम की, मैं मनवा कर आऊंगा नहीं तो घास न खाऊंगा। अब सच में गधा गधा कहां रहा, वो तो एक चुनावी मुद्दा बन गया है। और कहां गुजरात के गधे अब यूपी में हिनहिनाने उतर आए, मतलब कि गधा बोझ उठाता है, घास खाता है, हिनहिनाता है और अचानक स्वामी भक्त ये गधा सियासत को भी रास आता है। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा क्या, एक गधे का विज्ञापन आता है, बताओ गरीब लोगों किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करें। गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है, यह खुशबू है वाइल्ड लाइफ की। सदी के महानायक ने तो कब का कह दिया था गधा सिर्फ गधा नहीं, गुजरात में तारीफ की थाली है। पर जिस जानवर को हैंडसम जानवर की उपमा देकर सदी के महानायक लोगों को दर्शन के लिए बुलावा दे रहे थे, उसी गधे की पीठ पर सवार होकर यूपी की सियासत में कूद पड़े सीएम अखिलेश यादव। वो कुछ और आगे निकलना चाहते थे, फिर अचानक ठहर गए। शायद उन्हें भी लगा हो कि वो गधों के बारे में बोल रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा क्या, एक गधे का विज्ञापन आता है, बताओ गरीब लोगों किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। कच्छ के गधे खूबियों के लिए जाने जाते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने उन्हें संरक्षित किया है, लेकिन ऐसा कहकर अखिलेश वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण दोनों के खिलाफ हो गए। ये गधे भारत के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं, सवाल उठाते उठाते अखिलेश शायद ये भूल गए थे। खैर, गधे की सियासत में डूबे अखिलेश आज नैतिकता भी भूल गए, पॉक्सो के तहत फरार चल रहे गायत्री के प्रचार में जाकर। जिस मुखिया पर गिरफ्तारी की जिम्मेदारी थी वो रेप के आरोपी के लिए याचक बन गया, और इस याचक को भीड़ से समर्थन मिलने का पूरा इंतजाम गायत्री ने आंसुओं के सहारे किया था, आंखों से बहते पानी से पाप धोने का ढोंग रचकर। भ्रष्टाचारियों को उस देश से नहीं जिस देश से बखाना है मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। आज आकर के मैं जब तक जो है 27 तारीख तक मंच पे नहीं रहूंगा, गायत्री प्रजापति आपके जनता के बीच में आ रहा। मेरे बेटे दोनों बेटे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे, मेरे बेटे दोनों मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। गायत्री प्रजापति आपके बीच में आपके साथ रहेंगे। तो गधा अब गाली नहीं, तारीफ की ताली है। गधा तो फिर भी ईमानदार ठहरा, लेकिन उनका क्या जो ऊपर से सफेद चोला पहनते हैं और अंदर से उतने ही काले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।